अगर सत्ता और सरकार तलवार है तो ये तलवार गरीबों की ओर से उठेगी, उनको न्याय दिलाने के लिए उठेगी। ये पूंजी और सत्ता के गठबंधन के व्यवस्था में जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें गरीब का कहां स्थान है। और ये आज की बात नहीं है, ये लड़ाई हजारों हजारों वर्ष की है। इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस व्यवस्था में हम गरीब को कोई स्थान दे सकते हैं? ये कहते हैं कि मानव चेतना को विवादित लोगों के व्यक्तित्व से रोशनी मिलती है। विवादित लोग समाज और राष्ट्र की चेतना पर ऐसा गहरा असर छोड़ते हैं जो से सदियां याद रखती हैं। यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रह चुके राजा मांडा उर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसे ही राजनेता थे। एक ऐसा नेता जो राजीव गांधी के सियासी बुलंदियों के दौर में उनसे भिड़ गया और कांग्रेस से इस्तीफा देते वक्त एक कविता के जरिए प्रहार करते हुए कटाक्ष किया कि तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं बिल्कुल मुफ्त हूं। जो सोचा वो हासिल कर लिया, जो चाहा उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। और जब लगा कि जो हासिल हुआ है वो मंजिल नहीं सिर्फ पड़ाव है तो वहां से भी रुखसत हो लिए। इन्हीं बातों को अगर एक शब्द में कहना हो तो आप कह सकते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री। 80 का दशक था, जून की तपती गर्मी में मोटरसाइकिल पर सवार वीपी सिंह ने प्रयागराज में चुनाव प्रचार किया। अमिताभ बच्चन उस सीट से इस्तीफा दे चुके थे। 1998 का उपचुनाव था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। वीपी सिंह ने सिर्फ अपनी मेहनत और जुनून के दम पर प्रयागराज सीट पर सांसद का वो उपचुनाव जीत लिया। '87 के दौर में बोफोर्स तोप घोटाले का जिन राजनीतिक और सामाजिक फिजा में तैर रहा था, भारतीय समाज में कांग्रेस की छवि लगातार खराब हो रही थी। वीपी सिंह ने सियासी मौसम और जनता के मूड को भांपते हुए इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने कांग्रेस में उस शख्स को निशाने पर लिया जो उस दौर में कांग्रेस का चेहरा भी थे और प्रधानमंत्री भी। वीपी सिंह ने सीधे राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नौकरशाही और कांग्रेस की सरकार में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता के बीच जाकर प्रहार करने लगे। कुछ ही समय बाद वीपी सिंह ने कांग्रेस विरोधी नेताओं को जोड़कर राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया। 1989 के चुनाव में वो हो गया जो वीपी सिंह चाहते थे। कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा जबकि वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को बहुमत वाला जनादेश मिला। जनता पार्टी और वाम दलों की मदद से राजा मांडा उर्फ विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए। कि हम लोग गांव और गलियों का धूल लेकर के आए हैं, उस धूल की मर्यादा की हम रक्षा करेंगे। वीपी सिंह के बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी राजीव गांधी को माफ नहीं किया। पीएम पद पर रहते हुए भी वो हमेशा कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ प्रचार करते रहे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। कभी वो इंदिरा गांधी के बेहद करीब रहा करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी के साथ उनके वैचारिक और राजनीतिक विचारों का सफर नहीं चल पाया। ये उत्तर प्रदेश के उस राजनेता की कहानी है जो 9 जून साल 1980 से लेकर 18 जुलाई 1982 तक एक छोटे से कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन यूपी के सीएम और फिर देश के पीएम बनने वाले वीपी सिंह के कुछ अंदाज उन्हें तमाम बड़े नेताओं की भीड़ से अलग करते हैं। वो अक्सर कारों का काफिला छोड़ दिया करते थे। वो अपने करीबियों के साथ मोटरसाइकिल से सफर करते हुए लोगों से मुलाकात के सिलसिले को अपने सफर का हिस्सा बना लिया करते थे। लेकिन यूपी की धरती के इस नेता को सियासी सुर्खियों के साथ साथ विवादों के लिए भी जाना जाता है।
वीपी सिंह का जीवन राजनीति का हमसाया बहुत शुरुआत में ही हो गया था। छात्र जीवन में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष चुने गए, इसके बाद विधायक, यूपी के मुख्यमंत्री, देश के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। उनके सियासत ने देश प्रदेश में बड़ी हलचल मचाई। वीपी सिंह हमेशा से भारत में सामाजिक और सियासी बदलाव का सबसे बड़ा स्मारक है, क्योंकि जब जब चुनाव की बात होती है तब तब कुछ चीजें सामने होती है। भ्रष्टाचार, मंडल कमीशन, सांप्रदायिकता, इन तीनों मोर्चे पर वीपी सिंह ने जो फैसले किए वो हमेशा याद किए जाएंगे। वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार को पहली बार राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाया। देश में पहली बार आम चुनाव सरकार के करप्शन के मुद्दे पर लड़े गए। राजीव गांधी के कैबिनेट में होते हुए भी बोफोर्स और HDW पनडुब्बी सौदों में रिश्वतखोरी का मामला उठाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पनडुब्बी विवाद की जांच के सिलसिले में राजीव गांधी से उनके मतभेद हुए थे। उनकी राजनीतिक मोर्चेबंदी में राजीव गांधी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। मुद्दा जनता के बीच पहुंचा। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस वीपी सिंह से हार गई। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट की एक सिफारिश लागू करके ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया। ये रिपोर्ट 1980 से केंद्र सरकार के पास पड़ी थी। ओबीसी आरक्षण का जब भी जिक्र होगा तो दो ही नाम जहन में जरूर आएंगे, मंडल आयोग और विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% ओबीसी कोटा लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। हालांकि उनके आलोचक कहते हैं कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। विरोधी तो यहाँ तक कहते हैं कि वीपी सिंह ने यह फैसला सामाजिक वजहों से नहीं बल्कि राजनीतिक वजह से लिया था। इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि डिप्टी पीएम देवीलाल के इस्तीफे के बाद वीपी सिंह ने सांसदों का समर्थन बरकरार रखने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का बड़ा फैसला किया, जबकि एक किताब में यह दावा किया गया था कि वीपी सिंह ने जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर ये फैसला लिया था। बोले लेकिन मैंने जो किया वो वैकल्पिक नहीं है किसी पार्टी किसी नेता के लिए। जिस भी पार्टी को हिंदुस्तान में राजनीति करनी है उसको उस चीज को इंडोर्स करना ही होगा, उसके पीछे चलना ही होगा जो लाइन मैंने खींची। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मान लीजिए मैं जय श्री राम नहीं बोलूं तो अडवाणी जी मुझसे बुलवा नहीं सकते। मैंने कहा बात दुरुस्त है। बोले लेकिन मेरे मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद जो भारत की और खास तौर पर हिंदी पट्टी की विशेष रूप से राजनीति में शीर्षासन हो गया है, बोले उसके बाद अब पिछड़ों की उपेक्षा कोई नहीं कर पाएगा, ना भाजपा ना कांग्रेस, न कोई रीजनल पार्टी न कोई नेशनल पार्टी। तो बोले ज्यादा बड़ा योगदान फिर किसका हुआ? उन्होंने कहा इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं अडवाणी से बड़ा हूं इस मामले में। वीपी सिंह पर लिखी पत्रकार देवाशीष मुखर्जी की किताब द डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह शुक इंडिया में बड़ा दावा किया गया है। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस खिताब के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही हफ्तों में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए वीपी सिंह ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया था। 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 197 सीटें मिली, वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे को 146 सीटें मिली, बीजेपी वाम दलों ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया। तब बीजेपी के पास 86 और लेफ्ट के पास 52 सांसद थे। राष्ट्रीय मोर्चे को 248 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया।
पीएम बनते ही वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी। 25 दिसंबर 1989 को एक एक्शन प्लान का ऐलान किया गया। निगरानी के लिए देवीलाल की अगुवाई में कमेटी बनाई गई। सामाजिक कल्याण मंत्री रामविलास पासवान ने उनकी मदद की। समाज कल्याण सचिव पीएस कृष्णन की अहम भूमिका थी। कृष्णन ने जनवरी 1990 में चार्ज संभालने के साथ ही एक एजेंडे को तैयार किया। इस एजेंडे में लिखा था कि किन किन चीजों को करना है। इनमें सबसे ऊपर लिखा था मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, क्योंकि केंद्र में मिली जुली सरकार थी, लिहाजा ये लंबे वक्त तक स्थिर नहीं रह सकती, इसीलिए एक एक पल की कीमत थी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये देख लिया कि सरकार उनकी चल नहीं सकती, तो उन्होंने उनके सामने दो विकल्प था। एक विकल्प था कि सरकार किसी तरह से खींचती रहे और वो तमाशा देखते रहे। दूसरा विकल्प था कि नहीं, सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा फैसला करें, और जिसके लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह इतिहास में जाने जाएंगे। तो उन्होंने दूसरे फैसले को चुना, और मैं ये समझता हूँ कि मंडल आयोग का जो गठन था वो जनता पार्टी की सरकार के दिनों में हुआ था। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल के एजेंडे में भी था, और इसलिए उन्होंने जब देखा कि देवीलाल अब सरकार गिराने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो सरकार के रहते हुए देवीलाल की चुनौती को स्वीकार करके उन्होंने 9 अगस्त 1990 को मंडल आयोग के लागू करने की सिफारिश की। समाज कल्याण सचिव कृष्णन ने 1 मई 1990 को मंडल रिपोर्ट पर कैबिनेट का एक नोट लिखा। उसमें ये बताया कि रिपोर्ट लागू करने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही काफी होगा। दूसरे बड़े नौकरशाहों ने कैबिनेट के सामने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन कृष्णन ने उन सब की दलीलों को खारिज कर दिया। उसके बाद देश में वो हुआ जिसकी कल्पना करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण पर मुहर लगी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक और उत्तर प्रदेश समेत देश भर में मंडल कमीशन के आरक्षण वाले फैसले का विरोध होने लगा। कई छात्रों ने इसे सामान्य वर्ग के हक को सियासी आग में फूंकने वाला फैसला बताया, तो किसी ने अगड़ों के अधिकारों को दफन करने की राजनीतिक साजिश करार दिया। वीपी सिंह को भी नहीं मालूम था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। वीपी सिंह का मंडल आयोग देश और समाज में ऐसी सोशल इंजीनियरिंग बन गया जिसका विरोध कर पाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए असंभव था, क्योंकि उस दौर में भी सियासत से लेकर सड़कों तक और राम मंदिर आंदोलन से लेकर वीपी सिंह की सरकार तक ओबीसी जनता और उनके नेताओं की हैसियत इतनी थी कि कुछ भी करना उनके लिए नामुमकिन नहीं था। लेकिन उस दौर में अगड़ों की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी बेचैन थी, क्योंकि वो वीपी सिंह सरकार के साथ थी। फिर भी उनका मंडल कमीशन वाला फैसला बीजेपी के तब के वोटर के सामाजिक पैमाने को अखर रहा था। बीजेपी को अपना जनाधार खिसकने से रोकने के लिए मंडल के मुकाबले फौरन कमंडल वाला दांव चलना पड़ा। मंडल आयोग लागू होने के करीब 1.5 महीने बाद ही 25 सितंबर साल 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली। आडवाणी का रथ उस दिशा में बढ़ रहा था जहां वीपी सिंह सरकार के दरवाजे बंद होने की तैयारियां चल रही थी। लालू यादव और मुलायम सिंह दोनों वीपी सिंह के साथ थे। मुलायम यूपी के मुख्यमंत्री और लालू बिहार के। आडवाणी की रथ यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंची। वीपी सिंह तक ये संदेश पहुंचा कि अगर आडवाणी रथ लेकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच गए तो फिर अनर्थ हो सकता है। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 23 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब भारत की राजनीति में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी, वो इतना बड़ा कदम था
कि उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही भूकंप जैसी थी। उसके समर्थन में भी भारत की एक बड़ी आबादी थी और उस आरक्षण के खिलाफ भी एक विद्रोह था, और विद्रोह ऐसा जो सड़कों पर था। कई छात्रों की जान चली गई, आत्मदाह कर लिया छात्रों ने। वो टर्मोइल जैसी स्थिति थी भारत की राजनीति में। बाद में राजनेताओं ने कहा और राजनीतिक समीक्षाकारों ने कहा कि बीपी सिंह ने ये भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या कार्ड के जवाब में मंडल कार्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या के लिए रथ यात्रा लेकर चले थे। खैर, वो किस्सा सबके सामने है और आप लोग जानते ही हैं कि फिर क्या हुआ। आडवाणी जी की यात्रा चली और फिर समस्तीपुर में उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उसको रोक दिया, आडवाणी जी की गिरफ्तारी हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन के तहत, पूर्व घोषणा के तहत राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को समर्थन वापसी की चिट्ठी दे दी, जिसका परिणाम हुआ राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जमी दोज हो गई। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में कार सेवक बेचैन हो गए। मुलायम सिंह सरकार ने 30 अक्टूबर को उग्र हो रहे कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई। यूपी से लेकर देश में इसके बाद अस्थिरता का माहौल बनने लगा। आखिरकार बीजेपी के पास कोई चारा नहीं बचा। मंडल के जवाब में शुरू की गई कमंडल की राजनीति पिछड़ गई। अब बीजेपी ने वीपी सिंह को जवाब देने के लिए 10 नवंबर 1990 को वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स में 11 महीने बाद ही पीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए वीपी सिंह ने इस मामले पर सिर्फ इतना ही कहा था, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो अनिष्ट ही हुआ मानिए, इसलिए सवाल पर बहस यही खत्म हो तो बेहतर। लेकिन एक सच ये भी है कि प्रधानमंत्री रहते हुए वीपी सिंह ने जो कर दिया, वैसा किसी भी दौर में किसी के लिए भी सोच पाना संभव नहीं है। ओबीसी आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हाथ लगाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। वीपी सिंह की सरकार ने इसे सामाजिक विषमताओं से भरे देश में लागू करके दिखाया। भारत में सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर संबंधित इस फैसले ने सभी को हिलाकर रख दिया। ये सब कुछ बदलने वाला फैसला था। यही से यूपी में मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी से काशीराम उभरे। यूपी की सियासत अब ऐतिहासिक करवट लेने लगी। मंडल आयोग के बारे में बीपी सिंह ने खुद कहा था, ये ऐसा मैच है जिसमें गोल करने पर मेरा पांव टूट गया, लेकिन गोल तो मैंने कर ही दिया। शुरुआती दौर में बीपी सिंह को मीडिया और मध्यम वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिलता रहा। उनके उठाए हुए मुद्दों की लगातार गूंज रहती थी, लेकिन मंडल कमीशन लागू होने के बाद तस्वीर बदल गई। मीडिया का समर्थन खत्म होते ही समाज और मीडिया में विलन के तौर पर पेश किए जाने लगे। यहाँ तक कि अपने दौर में बीपी सिंह एक ऐसे नेता थे जिनसे सबसे ज्यादा नफरत की गई और सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया। पीएम की कुर्सी गंवाकर मंडल आयोग का खामियाजा भरने वाले वीपी सिंह ने कहा था कि मंडल कमीशन पर फैसले से पहले मेरे किए गए हर काम महान थे और इसके बाद के सारे काम देश विरोधी करार दिए गए। कुछ भी किया जाए तो उसकी एक कीमत होती है। ये नहीं होता कि आपने कुछ किया और बाद में आप अफसोस करने लगे। मंडल लागू किया तो उसका दाम भी देना पड़ा। हालांकि वीपी सिंह के फैसले को लेकर एक बात आज भी अनसुलझी है कि उनके इस कदम से सवर्णों का बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए उनसे नाराज हो गया। लेकिन पहेली तो ये कि देश के ओबीसी ने उन्हें गर्मजोशी के साथ आखिर क्यों नहीं अपनाया। बहरहाल बीजेपी के बाहरी समर्थन से सरकार चलाने के बावजूद सांप्रदायिकता से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। मंडल कमीशन के जवाब में आडवाणी के रथ यात्रा को उन्होंने सांप्रदायिक उन्माद माना और फिर जो कुछ हुआ वो सियासी कालखंड का रोचक और रोमांचक इतिहास बनकर रह गया। 80 के दशक में संजय गांधी देश की राजनीति में असरदार तरीके से उतर चुके थे। उन्होंने अपने अंदाज में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री तय किए, एमपी में अर्जुन सिंह, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र, महाराष्ट्र में वाईबी चौहान
और यूपी में विश्वनाथ प्रताप सिंह की ताजपोशी करवाई। वीपी सिंह अपने निजी स्वभाव और राजनीतिक रसूख को लेके ऐसे नेता थे जिन्होंने दायरे कभी कबूल नहीं किए। यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो वादा किया था उस पर खरा नहीं उतर पाए तो अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी। 1982 में यूपी के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनके सामने ऐसे हालात बने जब एक घटना के बाद खुद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो किस्सा भी यूपी समेत देश की सियासत में मिसाल है। 80 के दशक में यूपीएमपी के बॉर्डर एरिया और यूपी के कुछ हिस्सों में अपहरण की घटनाएं सरकार और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। यूपी का सीएम बनने के बाद वीपी सिंह ने जनता से वादा कर दिया कि अगर डाकुओं को खत्म नहीं कर पाया तो फिर इस्तीफा दे दूंगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो दिल्ली में थे, सांसद थे, यहाँ से वो लखनऊ गए। उस समय हमने उनसे पूछा था कि जब आप लखनऊ मुख्यमंत्री होकर जा रहे थे तो आपने रास्ते में अपने लिए कुछ काम सोचा होगा कि क्या प्रायोरिटी क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन से गया और ट्रेन में ही हमने सोच लिया था कि मुझे दो तीन काम क्या करने हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या डकैतों की थी और उन्होंने मन में ठान लिया था कि हमको उस ये उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था की दृष्टि से और डकैतों की लूटपाट से बचाना है। तो इसके लिए वो उन्होंने निर्णय कर लिया था, सारी व्यवस्थाएं की और उसके बाद जो डकैतों का सफाया हुआ वो हम सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में उस वक्त डाकुओं का आतंक बहुत बढ़ गया था, फूलन देवी का गिरोह भी काफी सक्रिय था। डाकुओं को काबू में करने के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। वीपी सिंह के भाई को ही डाकुओं ने अपहरण करके मार दिया। वो जंगल घूमने गए थे, हालांकि ये अनजाने में हुआ, लेकिन डाकुओं को ये अंदाजा नहीं था कि ये मुख्यमंत्री के भाई हैं। वीपी सिंह ने दुखी होकर इसके बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह का जन्म राजपूत जमींदार परिवार में 25 जून साल 1931 को हुआ था। उनका परिवार मांडा की जागीरदारी पर राज करता था। 25 जून साल 1955 को देवगढ़ के राजा की बेटी सीता कुमारी के साथ उनकी शादी हुई। उनके दो बेटे हुए, अजय सिंह और अभि सिंह। कहते हैं कि वीपी सिंह परिवार में बच्चों को लेकर कभी कभी सख्त लहजा अख्तियार कर लेते थे। हालांकि ऐसा वो सिर्फ इसलिए करते थे ताकि बच्चे अनुशासन में रहना सीखें। कि राजनीतिक रूप से बहुत चतुर प्राणी थे, लेकिन एक योग्य प्रशासक थे, ईमानदार प्रशासक थे और वो रिपोर्ट करते थे स्वयं को, दूसरे को नहीं। ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा था। बहुत लोग ये कहते हैं कि जब डाकुओं का उन्होंने सफाया किया तो उनके दिमाग में उनके बड़े भाई की हत्या भी थी, परंतु कभी भी बातचीत में उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया कि हमने इस कारण से किया। और सचमुच विश्वनाथ प्रताप सिंह जब राजनीति में उतरे तो उस समय से ही उनकी एक विलक्षणता दिखती है। जब विनोबा भूदान यात्रा करने के लिए आगे बढ़े तो अपनी रियासत का, अपने हिस्से का, उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का भूदान में दे दिया। और ये उस पर कभी कोई दावा नहीं किया। तो त्याग और अनासक्ति, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के व्यक्तित्व का गुण था। वीपी सिंह के मंडल आयोग लागू करने से देश के लाखों लोगों का जीवन तो बदल गया, लेकिन उनके अपने जीवन में एक खामोश तूफान घर कर गया। वो समाज और सियासत में बिल्कुल अकेले पड़ गए। चुनाव दर चुनाव उनका राजनीतिक दायरा सिमटता चला गया। जीवन के आखिरी दौर में वो कविताएं लिखते और पेंटिंग्स बनाते। सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दों का विरोध करते हुए अनशन के दौरान उनकी किडनी पर बुरा असर पड़ा।
कैंसर उन्हें पहले से ही था। 27 नवंबर साल 2008 को दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर भी मंडल आयोग का साया साथ रहा, जो कभी मीडिया के हीरो हुआ करते थे। उनकी अंतिम विदाई का खबर का दायरा इतना संकुचित था कि ना बहुत शोक मनाया गया, ना शोक संताप में बहुत कुछ लिखा गया। वीपी सिंह ने एक कविता के जरिए अपने राजनीतिक पैमाने और सियासी दुनिया के सच को बयां करते हुए लिखा था, उसने उसकी गली नहीं छोड़ी, अभी भी वहीं चिपका है फटे इश्तिहार की तरह। अच्छा हुआ मैं पहले निकल आया, नहीं तो मेरा भी वही हाल होता। विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये उत्तर प्रदेश के उस मुख्यमंत्री और देश के उस प्रधानमंत्री का नाम है जिसकी बदौलत हमारे मौजूदा समाज में पिछड़ों को पहली कतार में लाने का आरक्षण वाला करिश्मा मुमकिन हो सका था। लेकिन विडंबना देखिए, इसी बात के लिए अगड़ों ने उन्हें मरने के बाद भी माफ नहीं किया और ओबीसी नेताओं को उनकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी, इसीलिए उन्होंने भी वीपी सिंह को याद करना मुनासिब नहीं समझा। इन सब के बावजूद बीपी सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में विवादों की तमाम पृष्ठभूमि के बीच भी वो इतिहास लिख दिया जिसे आप पसंद करें या ना करें नजरअंदाज नहीं कर सकते।